अगर तुम कहते हो मेरा पति है, ताज में एक परिक्रमा लेते हैं, ये बात सही मिल गया तो तुम्हारा बात सही होगा। ठीक है मां, आप मुझे अपना कितने प्रकार लेते हैं मां? आहे वारी है वारी अबुधिया तमा पैसा एक ही सास चमगिर में एक ही पति था,
आज इसके चलते सास चमकी मुसीबत हो गया, विधवा हो गई। मैंने कहा इसका उपाय कोई है तो बताओ ताकि तुम लोग की स्वागवती हो सके। कहा बाबा गोरखनाथ का मंदिर है, वहां जाओ और बाबा गोरखनाथ ही तुम्हारा फैसला करेगा। मैंने वहां गया, बाबा गोरखनाथ ने कहा यह तो घोर रद्द कर दिया, इसका प्राचित तुम्हें भुतकना होगा, तब ये मिलकर जीवित हो सकता है। मैंने कहा क्या काशी में गुदरी जमा करना होगा, सोमन तिल जो जमा करना होगा। मैंने मंजूर कर लिया। उसके बाद कही पहला भिक्षा अपने मां से लेना होगा, दूसरा भिक्षा अपने पत्नी से लेना होगा, तीसरा भिक्षा अपनी बहन से लेना होगा, चौथा भिक्षा अपने दोस्त मित्र से लेना होगा। बेटा बेटा को पीटन तुम्हें आगे मारिए
है। मंत्री जी, हाँ, मेरा गोपीचंद बेटा मारने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मेरा दूध का कीमत वो दे नहीं पाएगा। अच्छा, उसे कहते हैं जो की विराजगी के रूप धारण छोड़ दो, झोले गुदरी में आग लगा देती हूँ, मैं ये देखने के लिए नहीं चाहती हूँ बेटा। क्या हुआ? लेकिन वो कहता है माँ, दूध का कीमत तुम्हारा कहाँ से मैं चुकाऊंगा? अगर तुम मेरा कोढ़ा कलेजा लेने के लिए चाहते हो, अच्छा, तो मेरा कोढ़ा कलेजा निकाल लो। आप जाइए महल से, अच्छा, खंजर ले आओ, आज ये दुश्मन का कोढ़ा कलेजा निकाल करके मैं आत्मा को शांति कर लूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं निकाल लेती हूँ। एक दो अच्छे नहीं माँ। क्या क्यों तुम कोढ़ा कलेजा निकालने से रोक दिया? बहू रानी बोलो क्या बात है, क्यों रोक दिया? माँ देखिए माँ, आपकी बेटा जिंदा रहेगा माँ। ठीक है बहू रानी, तुम सही कहती हो, अगर बेटा को मैं कोरा कलेजा निकाल लेंगे संसार में नाम मिट जाएगा। हाँ माँ, अगर मेरे पुत्र संसार में जिंदा रहेगा, हाँ माँ, कभी लौट करके आएगा मेरा बेटा का नाम अमर रहेगा। हाँ माँ, हार के नारे आई कल बहुत में कैसे निकाल सकती हूँ? ये तुम्हें बहाना कर रहे थे कि कोढ़ा कलेजा निकालूंगा तो मेरा पुत्र मान जाएंगे, जो कि विरागी नहीं बनेंगे, इसलिए करके तुम्हारा कोढ़ा कलेजा निकालने के बहाना में बनाए थे बेटा। ठीक है, आ गया दूधी Yeah।
चार